तो की हालचाल दोस्तों, आज वेस्टइंडीज वर्सेस ओमान के मैच में वेस्टइंडीज ने इस क्वालिफायर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत दर्ज की है। जहां क्या रहा मैच का हाल और कैसा है लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। गाइस, आज वेस्टइंडीज का मुकाबला हुआ ओमान से, जहां पहले बैटिंग करते हुए ओमान ने बनाए 221 रन, जहां 222 रनों का टारगेट वेस्टइंडीज ने 40 ओवर में ही अचीव कर लिया। अगर लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल की बात करें तो टॉप पर है श्रीलंका, जिनके 8 पॉइंट्स हैं और श्रीलंका ने पहले ही ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दूसरे नंबर पर है स्कॉटलैंड, जिनके 6 पॉइंट्स हैं। तीसरे नंबर पर है जिम्बाब्वे, जिनके भी 6 पॉइंट्स हैं, पर जिम्बाब्वे इस वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो चुकी है। चौथे नंबर पर है नीदरलैंड्स, जिनके 4 पॉइंट्स हैं। पांचवे नंबर पर है वेस्टइंडीज, जिनके 2 पॉइंट्स हैं। और छठवे नंबर पर है ओमान, जिनके 1 भी पॉइंट्स नहीं है। दोस्तों, कल स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड का मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां उस मैच में अगर स्कॉटलैंड जीता तो स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वहीं अगर नीदरलैंड ने उस मैच को जीता तो नीदरलैंड्स के बहुत कम चांसेस है क्वालिफाई करने के, क्योंकि नीदरलैंड्स का नेट रन रेट माइनस में है। तो गाइस, नीदरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड में से कौन सी टीम करेगी ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।